वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो सेकंड अब जो बच गए थे हम उनको करते हैं। तो स्वर की क्लासिफिकेशन थी विवेक, मतलब जब हम उसका प्रोनंसिएशन करेंगे तो हमारे मुंह की पोजीशन बताएगा कि खुला होगा बंद होगा। तो विवेक होता है ओपन, जब हमारा मुंह ओपन होगा तो कौन से ऐसे स्वर है जिनकी उच्चारण करते समय मुंह ओपन होगा। अर्धविवेक आधा मुंह खुला हुआ होगा, समवृत्त क्लोज्ड कब होगा, और अर्ध समवृत्त लास्ट रह गया, अर्ध समवृत्त मीन्स आधा कब बंद होगा। तो हम ये देखते हैं विवृत में डायरेक्ट उच्चारण करके देखना। तो विवृत में आ, ओनली आ है कि जब हमारा आम उच्चारण करेंगे तो मुंह ओपन होगा। अर्धविवृत में होगा ए, ऐ, ओ और ओ है, ऐ आउ और ओ। संवृत क्लोज्ड में गाइस क्लोज में कौन सा होगा करके देखना, ई छोटी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इसमें हमारा मुंह क्लोज्ड होगा। और अर्धविवृत जब आधा ओपन होगा तो ये चार है हमारे संवृत में, ये चार है अर्ध संवृत में, कौन से गाइस अर्ध संवृत में, आई ए आई ई और ओ, ई और ओ गाइस। ये क्लासिफिकेशन और हो गई हमारी, नीचे करते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन और है स्वर की ही, अवृतमुखी और वृतमुखी मीन्स उच्चारण करते समय जब हमारा मुंह वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल टाइप बनेगा, अवृत्त मतलब जब हमारा सर्कल टाइप नहीं बनेगा। इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जब अवृत्त में आएंगे, ए आ छोटी ई बड़ी ई, ए और आई, ये है वृतमुखी में छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और औ, ये है गाइस। ये डायरेक्टली हमको याद होने चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना कि अवृतमुखी में कौन कौन से हैं, वृतमुखी में कौन कौन से हैं। आगे करते हैं, और इनके एक उच्चारण तालिका भी है, वो मैंने खुद अपनी ट्रिक से बनाई है गाइस। उसको बहुत बच्चे गलत करते हैं, पर वो 6-7 लाइनें हमें याद करनी चाहिए, उस लाइन से ही उच्चारण तालिका व्यंजन और स्वर पूरा खत्म हो जाएगा। वो हम वीडियो के बिल्कुल जब हमारा टॉपिक खत्म होगा जब हम याद करेंगे उनको। अब एक लास्ट क्वालिफिकेशन रहती है क्लासिफिकेशन, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मीन्स उच्चारण करते समय जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी एयर है, जो हम प्रोनंसिएशन करते हैं, तो वो डायरेक्ट मुंह से जानी चाहिए, नाक से नहीं जानी चाहिए गाइस। मुंह से ही हमारी एयर निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी। अब एक अनुनासिक और होता है, अनुनासिक लिख ही देता हूं पहले मैं, अनुनासिक स्वर। ये अभी स्वर ही चल रहे हैं गाइस, व्यंजन आएंगे बाद में मतलब कॉन्सोनेंट। तो इसकी जो एयर है वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तो निर्नुनासिक कौन कौन से वर्ड हैं, ए आ ई छोटी, बस ये तीन है गाइस, ए आ और छोटी ई। अनुनासिक में जितनी भी हमारे जो एंड वाले वर्ड है, मतलब वो आप बाद में सीखोगे, चांद बिंदु, ये और यही, बस याद करना है। प्रोनंसिएशन थोड़ा इतना मैटर नहीं करता, पर ये हमको याद करनी है, ये तीन अनुनासिक निर्नुनासिक हो गए। तो गाइस इसके बाद हमारा व्यंजन स्टार्ट होगा, व्यंजन व्यंजन। अब व्यंजन में आते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब 52 में से 11 माइनस कर दो तो 41 ये है उच्चारण के आधार पर। अब इसकी डेफिनेशन भी बनती है, जिन
वर्णों का उच्चारण हम किसी और की सहायता से करते हैं, किसी और वर्ण की सहायता से करते हैं, वही व्यंजन है। स्वर में हम किसी की सहायता नहीं लेते, व्यंजन में हम सहायता लेते हैं, तो ये व्यंजन हो गया। के खे गे घे लिख देता हूं मैं आपको, इसको याद करना है आपको, कल कल इसी के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। अणे च छ झ झ य, इसे ये बोलते हैं गाइस। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये कल याद होने चाहिए आपको। प फ ब भ म, अब इसमें अंतस्थ अभी कुछ और भी आते हैं। अंतस्थ जिसे आप बोलते हो, अंतस्थ बोलेंगे हम इनको, य र ल व। ओके, पूष्म होते हैं जिसमें हमारे थोड़ा एनर्जी निकले बोलने में, श श श है। संयुक्त मतलब संयुक्त वो होते हैं जो दो की सहायता से बने, श त्र गे श्रे। इसे बोलते हैं गाइस जो पांच हैं ऊपर देख, मैं अभी बताता हूं आपको, ये ही आपको याद होने चाहिए बस। ये जो पांच हैं, ये पांच का जो ब्लॉक है, यह स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है। ये अंतस्थ मैंने आपको बता दिया चार, यह 25 और स्वर थे हमारे कितने 11, 25 स्पर्श व्यंजन पूछ रहे डायरेक्ट, स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25, अंतस्थ कितने हैं 4, ऊष्म कितने हैं 4, संयुक्त कितने हैं 4। अब संयुक्त में गाइस, संयुक्त में ये सब दो से मिलकर बने हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस किस से बन रहे हैं। शय बनता है क प्लस शय से, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है शय कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है, शय ये वाला शय है। ये तय प्लस रह से, ये जय प्लस यह से, ये शय प्लस रह से, ये हलंत मतलब हलंत होता है मतलब आधा आधा वर्ण होता है, आधा हम बोलते हैं इसे, हलंत बोलते हैं नीचे लगता है जो। तो अब तक इतनी जितनी भी स्टोरी है गाइस, ये आपको याद होने चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है तभी जाके याद होंगे, वरना भूल जाओगे बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा चैप्टर, इसमें से UPSI HTET CTET आगे जो मैं उच्चारण तालिका करवाऊंगा मैं आपको, उससे पूरा व्यंजन खत्म हो जाएगा गाइस। एक बार ये और देख लेते हैं हम कितने कितने वो थे, स्वर थे 11, 25 ये है टोटल, 4 और 4 8 और 4 12, 12 ये हो गए, तो कितने हो गए 5 और 2 7 और 1 8 और ये 4 48 प्लस 4 और है 4, मैं आपको बताता हूँ। एक इसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं ये अणे और डे, यही है, ये दो हैं, तो दो इनमें से दो तो ये निकल गए। अब आ जाते हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये मैंने आपको आएंगे वो आगे आप समझाओगे बिल्कुल, ये और ये दो इनमें से ये हो गए। तो गाइस ये पूरे हो गए हमारे 52, ये आपको पूरे याद होने चाहिए तब हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, अदरवाइज पढ़ाने में आगे सब कुछ सिर से निकल जाएगा। हिंदी भी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप अंदर से पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ढंग से पढ़ो। UPSI का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, ये मेरी श्योरिटी है, आप ढंग से पढ़ोगे
हो जाएगा, एच टेट सी टेट जहाँ भी हिंदी आ रही है, DSSB और UPSI में सब आपके फुल बटा फुल नंबर है हिंदी के, इस सभी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आज के लिए गाइस दी एंड, और ये सभी मनोज सर की गाइडेंस से हो रहा है, जो भी है मनोज सर के गाइडेंस में आप अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ोगे, आगे हम और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स गाइस आज के लिए, और इसको ढंग से करना गाइस, थैंक्स।